ओके गाइस, तो वेलकम बैक। तो गाइस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से कोका कोला कंपनी को पड़ा है 30,000 करोड़ का झटका। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो आप लोगों ने इसके बारे में न्यूज़ में सुन लिया होगा और कहीं ना कहीं पे पोस्टर भी देख लिया होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से कोका कोला कंपनी को 30,000 करोड़ का झटका लगा है। अब आखिर दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, मैं यहाँ पर उसके बारे में आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यूरोप चैंपियनशिप मैच स्टार्ट होने के पहले यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने टेबल से 2 कोका कोला की बोतल को हटा करके पानी की बोतल को बीच में रखा और पानी की बोतल पीने का संदेश दिया। ऐसा यहाँ पर वीडियो में आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों जैसे ये वीडियो फिर न्यूज़ पे आया और मीडिया में आया, तो उसके बाद यहाँ पर कोका कोला कंपनी के धड़ाधड़ शेयर गिरना चालू हो गए और उनकी कंपनी को लॉस होना चालू हो गया। रोनाल्डो के इन दोनों बोतल हटाने की वजह से यहाँ पर कोका कोला कंपनी को 30,000 करोड़ का झटका पड़ा है, यानी कि ये दोनों बोतल कोका कोला कंपनी को 30,000 करोड़ की पड़ी है। अब दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं और वो अपनी सेहत को लेकर के काफ़ी ध्यान रखते हैं और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा फिट रहने वाले इंसान में गिना जाता है उनको। और इसी वजह से इनकी 2 बोतल हटाने की वजह से कोका कोला कंपनी को इतना बड़ा लॉस हुआ है और ये 2 बोतल कोका कोला कंपनी को 30,000 करोड़ की पड़ी है। वहीं दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ही हैं, 301 मिलियन। और दोस्तों रोनाल्डो के इतनी फैन फॉलोइंग होने की वजह से ही उनके हर एक मोमेंट पे काफ़ी असर पड़ता है और इसी वजह से यहाँ पर 2 बोतल हटाने की वजह से कोका कोला कंपनी को 30,000 करोड़ का लॉस हुआ है। वहीं दोस्तों कोका कोला कंपनी का इतना बड़ा नुकसान होने के बाद अब ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये कंपनी अपने एक कोका कोला बोतल के साथ एक पानी का बोतल भी साथ में दे रही है। ऐसी कुछ फोटोज आप लोग सोशल मीडिया में जरूर देखे होंगे। तो गाइस ये सच है या झूठ ये तो पता नहीं है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि कोका कोला की एक बड़ी बोतल के साथ अब एक पानी की बोतल भी साथ में दी जाए। वेल दोस्तों ये जो सीन हुआ है, मतलब कि जो भी ये घटना हुई है, इस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग रोनाल्डो को क्या कहना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आप कोका कोला कंपनी को अपने एक बोतल के साथ एक पानी का बोतल भी देना चाहिए, आप लोग इसके ऊपर क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा देना।